हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार अब इन्वेस्ट फॉरएवर हो गया है, सो डोंट बी कंफ्यूज। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर बेहतरीन कंपनी की। अगर बात करें उसके रिजल्ट अभी 2-3 दिन पहले आए थे, आई वॉज डैम श्योर कि उसमें अच्छा खासा कुछ होने वाला है, बट पोजिशन अभी तक ली नहीं थी। बट अभी कभी भी मैं इसमें पोजिशन बनाने वाला हूँ। बट अगर बात करें इस शेयर की, तो ये शेयर काफी दिन से निगाहों में था और ये शेयर काफी बेहतरीन शेयर भी है, क्योंकि इसकी जो दूसरी पीयर कंपनी है, अगर बात की जाए इनके जो राइवल्स है, वो भी बेहतरीन रिजल्ट देते हुए आ रहे हैं। और इस कंपनी का शेयर प्राइस और ये जिस पी पे मिल रही है, मतलब काफी सस्ते पे ये कंपनी मिल रही है कंपेयर देन इट्स पीयर। और बात करें सेल्स की, तो अपने पीयर से अच्छी खासी सेल्स है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल में को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दूसरे लोगों को भी बुलाइए हमारे चैनल पे और उन्हें दिखाइए वीडियो, और आपको पता चले, उन्हें सीखने का मौका मिलेगा, आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा और सीख के इन्वेस्ट करोगे तो बेहतरीन पैसा बनते हुए नजर आएगा। आज की डेट में ऑलरेडी एक वीडियो आ गई है इस शेयर की। अगर बात करें 611 करोड़ रुपए की कंपनी, 186 रुपए का शेयर प्राइस है, और अगर बात करें 1300 करोड़ रुपए की सेल्स आती हुई दिखाई दी है। तो मतलब कंपनी कंसिस्टेंस परफॉर्मर है, तो आप आने कभी भी ये शेयर भागता हुआ दिखाई दे सकता है और बहुत बेहतरीन टारगेट इसके नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट को जाके गो थ्रू कर लीजिए, एक एक वीडियो को देखिए तो शेयर बाजार में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट, क्लिक करें फिर डीमैट अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ। तो जिस से लेटर बातें करने जा रहे हैं उसका नाम फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर बात करें 2-3 दिन पहले ही इसके रिजल्ट आए हैं और आज की डेट में आई थिंक फ्राइडे या फिर सैटरडे को आए थे, और आज की डेट में अगर बात करें तो लगभग 5.58%, उससे भी ज्यादा भागा था, बट उसके बाद गिरता हुआ नजर आया, कोई इशू नहीं है। और बात करें 10 रुपीज यहाँ पर जंप होता हुआ दिखाई दिया। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, काफी बेहतरीन यहाँ पर जंप है। 1 मंथ का भी देख सकते हैं, मतलब फ्लैट था फिर उसके बाद जंप है। 6 मंथ का भी चार्ट पैटर्न देख लीजिए, अच्छा खासे रिटर्न देता हुआ नजर आया है, 42% के रिटर्न 6 मंथ में दे दिए। 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर में भी अच्छे खासे रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं। 5 इयर्स की बात करें तो 5 इयर्स का चार्ट पैटर्न भी आपके पास है। ओके, मतलब एक लंबे दौर में, मतलब 112% के पॉजिटिव रिटर्न है। बट अगर बात करें तो शेयर में काफी कंसोलिडेशन फेज में रहा है, इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन है। 1 रुपए का शेयर हुआ करता था कभी, और इसने मल्टीबैगर 12,225% के रिटर्न देता हुआ आज की रेट में कंपनी नजर आ रही है। तो ये सब चीज समझ के अगर हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो कि काफी बेहतरीन है, जो कि स्मॉल कैप है और फिर भी अच्छा खासा भागती हुई नजर आ रही है, और कुछ इस तरीके का डेंट नहीं है कि कंपनी गिरती ज्यादा हो। यहाँ बात करें 2017 से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में चली थी, भाग रही थी, भागना चाहती थी, बट इसके बाद यहाँ पर पेंडेमिक आ गया, गिरी। बट उसके बाद से इस कंपनी जिस तरीके के रिटर्न दिए है वो भी आपके सामने है, और अभी इसमें इतना सारा पोटेंशियल बचा है कि ये शेयर आपको और बेहतरीन जाता है रिटर्न दे सकता है। मुझे तो लगता है कि यहां से डबल होने के पूरी चांसेस है। यहां पर कंपनी 400 रुपए तक आने वाले टाइम में दिखती हुई नजर आएगी। और अगर बात करें कंपनी के कुछ करती क्या है, तो अगर देखिए बात करें कंपनी क्या करती है, देखिए पाइप्स बनाती हुई नजर आती है। कौन से पाइप्स, तो अगर हम बात करें फिनोलेक्स इज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी रेजिन एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग इन इंडिया। द कंपनी ऑफर द लेटेस्ट रेंज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी पीवीसी यू पाइप्स एंड फिटिंग्स यूज इन एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। इट्स पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर डिवीजन, पीवीसी रीजन एंड पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग। तो अगर बात करें, ये ऐसे ऐसे पाइप्स बनाती है जो एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्रियल में काम करते हुए नजर आते हैं। देखिए इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, इसके कॉम्पिटिटर एस्ट्रल पॉली है जो इसके सामने नजर आता है। इसके बाद प्रिंस पाइप जो कि काफी बेहतरीन, यहाँ पर हर बार इसकी चर्चा होती है। बट ये जो कंपनी है, इसके जो फैक्ट्स दिखाऊंगा और कंपेयर करके दिखाऊंगा ना प्रिंस पाइप से, तो ये काफी सस्ते में और काफी बेहतरीन ये कंपनी आपको मिलती हुई नजर आ रही है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और बाकी ओनली लार्जेस्ट वर्टिकल इंटीग्रेटेड प्लेयर इन द डोमेस्टिक मार्केट, और बहुत बड़ी कंपनी है फिनोलेक्स के पाइप, आपने देखा भी होगा नाम भी, और जिस तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल ऑपरेशन बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जल्दी तैयार होगा, जिस तरीके से घर वगैरह तैयार हो रहे हैं, तो ये पाइप फिनोलेक्स का सबसे ज्यादा बिकता हुआ नजर आता है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में लीडर है। बात करें ये सारे के सारे पाइप्स एंड फिटिंग्स में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और तो इस चीज को यहाँ पर देख लीजिए।
और यहाँ पर अगर बात करिए प्रोड्यूसर है, यहाँ पर आप देख लिए एग्रीकल्चर पाइप्स एंड फिटिंग, कास्टिंग पाइप्स, कॉलम पाइप्स, सॉल्वेंट, सीमेंट में भी कंपनी काम करती हुई नजर आती है, सॉल्वेंट सीमेंट, एज वेल एज बात करें ACTM पाइप्स एंड फिटिंग, AC PVC पाइप्स, सीवरेज पाइप्स, SWRP पाइप्स एंड फिटिंग एंड सॉल्वेंट सीमेंट्स, तो इस कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इस चीज को आप देख लीजिएगा इसकी वेबसाइट को जाकर, तो आपको पता चल जाएगी ये कंपनी काफी बेहतरीन है और इसके पाइप्स काफी बिकते भी है। अब बात करें यहाँ पर कंपनी की, तो देखिए मार्केट कैप देखिए 10,793 करोड़ का, और इसका स्टॉक का पी कितना है, 14% का यहाँ पर पी है। एक कंपैरिजन यहाँ पर साथ साथ करते जाएंगे, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रिंस पाइप, तो प्रिंस पाइप के भी काफी बेहतरीन रिजल्ट थे। तो अगर बात करें इसका पी कितना, 34 के पी पे मिल रहा था और ये इसके आधे पी पे मिल रहा है, आधे से भी कम। तो और इसका अगर बात करें प्रिंस पाइप के, इसका मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप ही है बट 7,647, तो इसका यहाँ बात करें 10,793 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो ये कंपनी बड़ी कंपनी है कंपेयर देन मार्केट कैपिटल की बात करें प्रिंस पाइप्स, और उससे सस्ते में मिल रही है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। ROC 35% की है, इसकी भी इसकी ROC 28% की है। इसका शेयर प्राइस 170-180 के आसपास का, इसका शेयर प्राइस 695 के आसपास का है। तो बस ये नजरिए की बात है, देखने की बात है, और आपको पता चल जाएगी डेट फ्री कंपनी है, 6% का डेट है, इसके पास 8% का डेट है, तो काफी सारी चीजें इसे फेवर कर रही है। ओके, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके रिजल्ट, तो इसके रिजल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट बढ़ती हुई नजर आए हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर गिरावट आई थी बट स्टिल यहाँ पर अगर बात करें उसके बाद थोड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आया, उसके बाद दोबारा उठ के अच्छा खासा परफॉर्मेंस, पिछले दो क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब चीज नजर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 300 करोड़ के नेट प्रॉफिट पर पहुंच गई है कंपनी, और यहाँ पर बात करें कितना, यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स है, और इसकी सेल्स की अगर बात करें प्रिंस पाइप की केवल 761 करोड़ की सेल्स है, और ये उससे सस्ते में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी जो सेलिंग की कैपेसिटी है, मतलब जो मार्केट कैपिचर जो कर रखा है, या लोग जो लेना पसंद करते हैं इस पाइप को, जो पाइप ज्यादा बिकते हैं, तो ये पाइप ज्यादा बिकता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पर 2016 से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली बेसिस पर कंसिस्टेंटली यहाँ पर परफॉर्म किया था। यहाँ पर पैंडामिक की वजह से थोड़ा सा गिरावट, बट दोबारा से उठ के खड़ा हुआ और हाईएस्ट एवर सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू यहाँ पर अर्न करते हुए नजर आया। और प्रिंस पाइप को अगर हम देख लेते हैं, तो प्रिंस पाइप आप देख सकते हैं सामने कितना है, प्रिंस पाइप केवल और केवल 2000 करोड़ रुपए का ईयरली बेसिस पे यहाँ पर इसका टर्नओवर मतलब सेल्स नजर आ रही है। तो ये कंपनी उससे ज्यादा बेहतरीन नजर आ रही है। रिजर्व्स की बात करें 3000 करोड़ का रिजर्व्स है, बोरिंग यहाँ पर इनकी कम होती हुई नजर आ रही है, फिर भी 204 करोड़ का बोरिंग है जो कि बिल्कुल ना के बराबर है, इनके पास इतना पैसा है। और फिक्स एसेट की बात करें 1002 करोड़ रुपए की यहाँ पर फिक्स एसेट, वर्किंग प्रोग्रेस में 8 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट 1680 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इन्वेस्ट है, कैश इक्विवेलेंट की बात करें 336 करोड़ का कैश है, ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है। यहाँ पर जो भी पैसा आता है यहाँ पर हाईएस्ट एवर बुक वैल्यू में दिखाई दे रहा है, कैश फ्लो यहाँ पर इस बार को भी याद रखिए। 36% के ROCE पे कंपनी काम कर रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 52.47% है जो कि कंसिस्टेंसी रखी है, मतलब एक भी ऐसा क्वार्टर में पेंडेमिक भी आया लोग बेचते हैं, प्रमोटर्स ही वन बेचने लग गया बट इन लोगों ने नहीं बेची। और बात करें FIIs ने भी यहाँ पर हिस्सेदारी इस क्वार्टर में थोड़ी सी धीरे धीरे बढ़ाते हुए नजर आया है। DIs की बात करें थोड़ी सी हिस्सेदारी इन्होंने कम करी है, ना के बराबर। पब्लिक की बात करें पब्लिक बात 32% की हिस्सेदारी दिखाई देती है, बट इसमें अगर बात करें ये जो HNIs हो गए इनके पास 3.26, 1.21, 0.35, तो इतने परसेंट की, मतलब बात करें 28% की हिस्सेदारी यहाँ रिटेल पब्लिक के पास नजर आ रही है। तो कंपनी हर पैरामीटर पे दूसरी जो इसकी पेयर्स कंपनी है उससे बेहतरीन नजर आ रही है। यहाँ पर एस्ट्रल पॉली आई थिंक अगर बात करें वो उससे बड़ी कंपनी है बट उसका पी भी ज्यादा है, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। बट अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए तो दूसरे नंबर पे आई थिंक यही कंपनी है जिसका पी भी कम है और जिसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो सुप्रीम तीसरे नंबर पे आती है। इससे बाद अगर बात करें इससे पहले सुप्रीम आता है और एस्ट्रल आता है, तो इस चीज को थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी अगर बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न की, तो देखिए चार्ट पैटर्न यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक मिनट हम BSE पे देख लेते हैं। एक मिनट यहाँ पर देख, अगर हम NSE पे गए इसका चार्ट पैटर्न, NSE पे तो ये अभी लिस्ट हुई है, नहीं काफी टाइम पहले से ही है। तो देखिए चार्ट पैटर्न तो ऐसा कुछ खास बनता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर शेयर नजर आ रहा है, बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसके, हाँ
हाँ ऑल टाइम हाई पे ही ये शेयर नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये शेयर अभी यहाँ से रुकने नहीं वाला। अगर थोड़ा सा गिरावट होती है तो आपको लेने की, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए। बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल और खुद की स्टडी करके यहाँ पर देखना है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ खास चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, एक ही सीध में भागता हुआ नजर आ रहा है। और हमेशा ये 50 DMA के आसपास जब भी आया है ये भागता हुआ नजर आया है। तो आई थिंक थोड़ा वो शायद गिर सकता है, अगर गिरता है तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी शेयर में पोजीशन बनाने की। और ये शेयर आपको बेहतरीन रिटर्न्स बनाता हुआ फ्यूचर में दिखाई देगा, क्योंकि फिनोलेक्स एक ब्रांड है, एक बड़ा ब्रांड है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और शेयर अगर आपको थोड़ा सा भी नीचे आता है पोजीशन बनाइए और अच्छा खासा ये भागता हुआ दिखाई देगा। मैं एटलीस्ट यहाँ पर पोजीशन बनाने वाला हूँ, बट आप लोगों को नहीं कह रहा, आप लोग तो यहाँ पर बस सीखिए समझिए, क्योंकि यहाँ पर काफी कम पी पे यहाँ पर ये कंपनी मिल रही है, मार्केट कैप पर काफी बेहतरीन है, तीसरे नंबर पे यहाँ पर कंपनी आती है, डोमेस्टिक मार्केट में लीडर है। तो ये सब चीज यहाँ पर इस चीज को बताती है कि ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें फिनोलेक्स की, तो ये भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और यहाँ पर अच्छा खासा, इतना नहीं बढ़ा है जितना अगर बात करें दूसरे जो शेयर है प्रिंस पाइप की अगर हम बात करते हैं, तो इसके रिजल्ट के बाद कंटिन्यूअसली भागता हुआ नजर आ रहा है ये शेयर, और अच्छा खासा भागता हुआ नजर यहाँ पर अगर बात करें ये शेयर दिखाई दे रहा है। बट फिनोलेक्स की बात करें, फिनोलेक्स की अब यहाँ पर जर्नी मेरे ख्याल से शुरू होने वाली है, या शुरू कह सकते हो गई है, और अब ये भागते हुए नजर आएगा। बाकी बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।